ପୂରବରୁ ଲୁଣା ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବ ବାଇଶି ପାହାଚେ ମୀନ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନେ ବରୁଣ ଦେବତା ନଥିବେ ଚକାନୟନ, ମାଳିକା ବଚନ ନ ହୋଇବ ଆନ। बोली महापुरुष हरिजा सिखी हे सुधी यानी हे ज्ञानी गुणी मंडली गत काली गत पर्यायर में आलोचना करते विषय वस्तु भक्त तालिका केउटी केते भक्त किभली भाव रे थिबे ना कौन ही थिबो केउ जिला रे जन्म ही थिबे केउ गाँव रे जन्म ही थिबे केउ वृत्ति रे थिबे गोटे पटे भक्तर ठिकाना भक्तर संधान भक्त को एकठी करा जीवो ଭକ୍ତଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପ୍ରଭୁ ନେଉଥିବେ, ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ କରୁଥିବେ, ଭକ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ତର ପରିଚୟ କରାଉଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ସଂହାର ଲୀଳା କରୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଆକାରରେ, ଯାହାକୁ ମହାପୁରୁଷ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଆଜି ଘଟୁଛି। ଏ ସୁଧୀ ଜାନି କହିଲେ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦେଶ ହାଡ଼ମାଳ ହୋଇ ଜୀବ ବିଶେଷ ଜାଣି मही दोलो दोलो हे ध्वंसा जाई बोलालो दोलो दोलो हे दोलो दोलो हे हे ज्ञानी गुणी मंडली आज ए लक्षण देखा बाकी नहीं आम कही पारिबा नहीं मालिका पर कौन सत्यता नहीं बोली देखु महापुरुष जहाँ उल्लेख करते आज बास्तव दुनिया रे देखु वर्तमान समय रे देखु ता घटू कि ना महापुरुष कह बाबू रे पश्चिम उत्तर देश हाड़माल होइजीव विशेष ये कौन है आउ कम होता कौन एक बेले समस्ते मरीजे हाँ से कथा नुह महापुरुष कह बाबू रे महाप्रलय नुह खंड प्रलय आरंभ हो जाए समय ठारू महापुरुष सुंदर भाव कह कले पांच तीन तेर एगार थोई 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 पांच चारि थोड़ा करीबु नहीं पारिबु जेबे करी भिन्न भिन्न पाई पारिबो तो प्रभु का चिन्ह बाबू रे पांच तीन तेर एगार थोई पांच तीन आठ तेर मिसिले हेब एक एगार मिसाई देव बतीस एक मिशाण एगार बतीस पांच चारि ठोल करीब नहीं पांच छः कोड़ी बतीस मिशाण कोड़ी बावन गजपति महाराज दिव्य सिंह बावन अंक ठार पाश्चात्य देश मानक बहुत विपात देखा देव ये सुधियानी बावन अंक दुई हजार एगार मसीहा बार मसीहा बावन तेपन अंक तेना महापुरुष कहते दुई हजार एगार होता जापान ने जापान सुनामी आसला तेणु ये बारे मध्य आमेरिकार देखु सहर कौन है आमेरिका राष्ट्र परिस्थिति कौन है देखु आतंकित अवस्था अच्छा सेठाकार लोक मानी जनजीवन अस्तव्यस्त ही अच्छी आज विज्ञान जुगरे हे सुधियानी आज विज्ञान जुगरे उन्नतिर चरम शिखर पहुँची मध्य वैज्ञानिक यंत्र किसी कम करना प्रकृति निकटरे भगवान का निकटरे प्रकृति निकटरे विज्ञान तुच्छ प्राय विज्ञान किसी करना जहाँ महापुरुष मान कही जहाँ को अरक्षित दास ओला शुणी शून्य समाधि नहीं थी अरक्षित दास कही अच्युतानंद शिवकल्पर कही हेतु दिया पांच नित्य पंच सखा दुईश छपन आओ ओड़ा शुणी ठारे अरक्षित दास सर्वपरि श्रेष्ठ हो तेणु से ओड़ा शुणी शून्य समाधि नहीं अरक्षित दास ये ज्ञानी गुणीमंडली महागुप्त पद्मकल्पर लिखिं गोटे पद कह बाबू रे वैज्ञानिक यंत्र मान अचल होई बाबू अचल
हरिंकर चक्र खाली घोरणा जेती बाबो बोले बाबू रे वैज्ञानिक यंत्र मान अचल होइबो हे सुधी जानी आपण माने मालिका विचार प्रतिदिन श्रवण करुछंदी त एते दिन हेलाणी मालिका विचार देखुछनी प्रार्थना चैनल माध्यम त निश्चिंत अनुभव करुथिबे जहाँ कहा जाउची महापुरुष कहुछन कहले बाबू रे सबु हटिबो किंतु मसीहा गुप्त हेब जहाँ मु कलिजुगर भविष्यवाणी तुम आगे कही जाउची उपस्थापन कर ये घटना मान प्रकृति रे घटिबो संसार दुनिया रे घटिबो किंतु मसीहा गुप्त रहिबो को मसीहा रे से तो गुप्त रहिबो किंतु घटना गुड़ी को ऊपर कौन दुई मत ना तेरे हे सुधी आप देखुंती जहाँ मालिका विचार आलोचना होता समयक्रमे घटी घटी चली समयक्रमे घटी घटी चली महापुरुष कह बाबू रे जाते कलिकता जे सहर पोड़ी जाली हेब किनार खार है घटना घटी तेणु महापुरुष कह बाबू रे पश्चिम देश मानक उत्तर देश मानक बहुत विधवात देखादेव समय आज हूँ से घटना मान घटी चली उन्नतिर चरम शिखर शिखर पहुंची थे सुधा आज देखु वैज्ञानिक जंत्र किसी कम कला ना विज्ञान विज्ञान को हाथर खेलना रूपे व्यवहार करुले सुधा आमेरिका हो से इंग्लैंड हो जापान हो फ्रांस हो जी हो आज देखु प्रकृति निकटरे विज्ञान तुच्छ प्राय हेगला महावत्या शांडी नामक किसी कम देला विज्ञान तेना सुधी जाने में आलोचना करुले ये विषय वस्तु टेक्नोलोजी रे बा विज्ञान रे बहुत अग्रगति बा बहुत सफलता लाभ करते सुधा आज देख तो विज्ञान प्रकृतिर तांडव निकटरे किछि करि पाल नाही तुच्छ प्राय तेरे महापुरुष से कहते कह बाबू रे पश्चिम उत्तर देश हाड़माड़ होई जीव विशेष जाई फुललो मही दुलु दुलु हेब ध्वंस हौची आज आउरी कही कलिकता जे सहर पोड़ी जाली हेब किनार खार भारत समर सार कले बाबू रे खाली से नुह कलिकता जे सहर पोड़ी जली हेब किनार खार जाई फुललो भारत समर सार ये गोटे वाली युद्ध महाभारत भारत कहले महाभारत महाभारत युद्ध जो गोटे ओली है सुधी जानी आम बहुवार आलोचना करे बाकी अच्छी से गोटे ओली युद्ध हेब केत ना कली युगर ये कली युगर महाभारत टी ओडिशा भूं प्रमाण उत्कल सब उत्पत्ति होइबो ठीके ठीके राम शुण अच्युत अंग अंग सतर होइबो मणिवेदी एक दिव्य सिंह अंक चबीश कहली मुकसी महापुरुष कही ये कथा गोटी ओली महाभारत युद्ध ओडिशा माटर आरंभ सारा विश्वव्यापक हम महापुरुष से कहते बाबू रे भारत समर सारा गोटी ओली युद्ध हम यही आकार हे खंडा काती धरी बाहर दुई पक्ष युद्ध कर युद्ध यही भाव में हम पाश्चात्य देश मानक बहुत विवाद पड़ो खाली एति नुत टेलर ये टेलर गला पूरा पिक्चर पड़ो पाश्चात्य देश मानक विनाशलीला देखु धीरे धीरे किमी घटू विनाशलीला किमी आरंभ हो देखु महापुरुष से कहते कह बाबू रे कले सरबे पड़ी बे भाजी दंभ गर्व तांक जीवटी हजी शून्यवादी शून्य हेब गंजी जाई फुललो शून्यवादी हेबे गंजी तेणु ये सुधी जाने महापुरुष कहते बाबू रे सरबे पड़े भाजी दंभ गर्व तांक जीवटी हजी तांकर जो दंभ धनर प्राचुर्य भीतर रही विज्ञान बहुत अग्रगति करधुनिक सभ्यतार मिछद्वाही
ତାଙ୍କ ମନରେ ଯେଉଁ ଦମ୍ଭ ଅଛି, ଗର୍ବ ଅଛି, ଅହଂକାର ଅଛି, ବିଶ୍ୱର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆମେ, ଆମର ଇଙ୍ଗିତରେ ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିବ, ଧରାକୁ ସରାମଣୁ ମନେ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନେ ବିଜ୍ଞାନର ମିଛଦ୍ୱାହି ଦେଇ ଧରାକୁ ଯେଉଁ ସରାମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ଚଳେଇବା ପାଇଁ, ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚଳେଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଜି ମନ ଭିତରେ ସେଭଳି କିଛି ଯୋଜନା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବା ସେଭଳି କିଛି ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତିକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଚଳେଇବା ପାଇଁ, ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାପୁରେ ସରବେ ପଡ଼ିବେ ଭାଜି, ଦମ୍ଭ ଗର୍ବ ତାଙ୍କ ଜୀବଟି ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ଦମ୍ଭ ଅହଙ୍କାର ଗର୍ବ ଇଏ ସବୁଯାକ ତାଙ୍କର ଭାଜିବ। ଭାରତ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଭାରତ ସମର ଶୂନ୍ୟବାସୀ ଶୂନ୍ୟ ହେବ ଗଞ୍ଜି, ସେଇ ଶୂନ୍ୟ ଅଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ, ଭଗବାନଙ୍କର ବିନା ଆଜ୍ଞାରେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ ଏ ଦୁନିଆରେ। ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ନିକଟରେ ମଣିଷ ମାତ୍ର କ'ଣ ତାର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ, ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ସଦୃଶ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ ନିକଟରେ କ'ଣ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି ବାବୁରେ ଏଇଭଳି ଆକାରରେ ସବୁ ହେବ ବିନାଶ ଲୀଳା ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ, ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ସେ ଆଜି ହେଉଛି, ଆଜି ହେଇ ଚାଲିଛି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ। ତେଣୁ ହେ ସୁଦେଜାନେ ମାଳିକାର ସତ୍ୟତା କେତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାପୁରୁଷମାନେ ଆଜକୁ 500 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀରେ କଳିଯୁଗର ବିଭୀଷିକାକୁ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ, କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚେତେଇବା ପାଇଁ, ହେତୁ ରସାଇବା ପାଇଁ କି ଅଚ୍ୟୁତ ସାହସ୍ର ପୁରାଣ କଲା, ହେତୁ କରିବା ପାଇଁ, ଚେତେଇବା ପାଇଁ, ଜାଗରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଅସତୋ ମା ସତଗମୟ ଅସତରୁ ସତ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କଳିଯୁଗର ଲୋକ ସମାଜମାନଙ୍କୁ, ବା ତମ ସୋ ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ ତମସରୁ ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକ ଆଡ଼କୁ, ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାରରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ମିଛ ମିଛ ପ୍ରଶଂସା ନେଇ ବଞ୍ଚୁଥିବା, ମିଛ ଗର୍ବ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଥିବା, ମିଛ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପକ ସେ ଅନ୍ଧକାରରୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲା ଛୁଆ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଧନରତ୍ନ କୋଠା ଗାଡ଼ି ଏ ଚିର ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଅଗ୍ରଗାମୀ କରିବା ପାଇଁ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଈଶ୍ୱର ଅନୁଗାମୀ କରିବା ପାଇଁ ହେ ସୁଧିଆନି ମହାପୁରୁଷମାନେ ଆଜକୁ ଅନେକ ବର୍ଷ ତଳେ 500 ବର୍ଷ ତଳେ ଚେତେଇ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ବାବୁରେ, ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଚେତି ଯାଅ ବେଳ ଥାଉ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧରେ କୋମର ବେଳ ଥାଉ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ପାଣି ପଶିଯିବ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ପାଣି ପଶିଯିବ ହେ ବଡ଼ଦ ଗଞ୍ଜରେ କୁମାର ହେ ବଡ଼ଦ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ହାଡ଼ି ଯା ଶିଖି ହେ ସୁଧିଜନେ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ବେଳ ଥାଉ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧରେ କୁମାର ବେଳ ଥାଉ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧ ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ପାଣି ପଶିଯିବ ହେବୁ ବଡ଼ ଦହ ଗଞ୍ଜ ତେଣୁ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ତମ ସୋ ମା ଜ୍ୟୋତିର୍ଗମୟ ଅଜ୍ଞାନ ରୂପ ଅନ୍ଧକାର ଯେଉଁ ତୁ ବୁଡ଼ି ରହିଛୁ ରେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ କହିଲେ ଘର ବୋଲିଅ ଜିଚୋ ଯେତେ ପାଠ ରେ ଘଟ ଛୁଟିଲେ ତୋତେ ବୋଲିବେ ଉତାରେ କହି ମନ ଆରେ ମୋ ବୋଲ ଘର କଳା ଶ୍ରୀମୁଖ ବାରେ ଦେଖିବା କହି ମନ ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ମିଛ ଦୁନିଆରେ ତୁ ଆଜି ବୁଲୁଛୁ ରେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ବେଳ ଥାଉ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧ ସଂସାର ଭିତରେ ରହି ପରିବାର ଭିତରେ ରହି ଯଦି ସଚେତନ ତୁ ନୁହ, ଯଦି ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ କରିନୁ, ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମର ଅନୁକରଣ କରିନୁ, ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବାଟରେ ତାର ସମାଧାନ ନ ହୋଇପାରିବ, ଦୁନିଆରେ ଏମିତି କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ ଯାହା ଧର୍ମ ବାଟରେ ତାର ସମାଧାନ ନ ହୋଇପାରିବ। ସମସ୍ୟା ଅନେକ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ତାର ସମାଧାନର ବାଟ ହେଉଛି ଏକ,
ताऊजी आध्यात्म विज्ञान नुहें विज्ञान नुह विज्ञान मनीषर समाधान चीर शाश्वत सूत्र नुह सामूहिक भाव हे सुधी आने पूरा शाश्वत भाव विज्ञान आम को चिरकाल से कौन समस्या स्थायी समाधान दे न पारे कौन सी जिनसर कौन सी समस्या आमर व्यक्तिगत जीवन में पारिवारिक जीवन में मानसिक दुनिया रे बा समाज रे जो समस्या बहुल घेर रे आमे अच्छे आज दुनिया एमती कहीं ना कहीं कही पार ना मोर कौन समस्या ना मोर कौन दुख ना मोर कौन प्रॉब्लम ना मोर कौन से भि कि विपद ना कहीं कहीपर ना एम दुनिया जी अच्छा आम बंचुचे आम संसारे ये सुधीजन आज आम दुनिया में बंचुवा प्राणी बा मनीष श्रेष्ठ जीव दुर्लभंग मनुष्य देहं देना क्षण भंगुर तेणु मनीष श्रेष्ठ जीव हे सुधा भगवान श्रेष्ठ कृति हे सुधा कहीपर ना आज दुनिया में कहीं कहीपर ना स्त्री पिला छुआ धरी संसार आम कर बापा माँ भाई भौणी सहित रोचे मिलमिशी परिवार आम रोचे जंगल नुह घर या सुंदर घर करी कोठा करी दोतला तीन तला चार तला पांच तला करी गाड़ी कार मटर चढ़ी भल भल खीरीपुरी खाई आम संसार अच्छे आधुनिक प्राणी मनीष ये अच्छे कितु कहीं कहीपर ना ना मोर कि दुख ना मोर कि समस्या ना समस्या समस्त कि अच्छी तेणु ये समस्या को केवल गोटे बाटे तार समाधान रही रोग अच्छी तो औषध रही दुनिया रे रोग अच्छी जमीती मेडिसिन औषध रही समस्या रही समस्या तो समाधान तार अच्छी समस्यार प्रत्येक समस्यार समाधान विज्ञान तार स्थायी समाधान करना स्थायी समाधान हो आध्यात्म मनीषर स्थायी मनीषर समस्यार प्रत्येक मनीषर विभिन्न समस्यार स्थायी समाधान विज्ञान नुह ता हूँ आध्यात्म धर्म आध्यात्म ईश्वर विश्वास आध्यात्म अनुकरण ताध्यम ही मनीष जीवन आसुवा विभिन्न समस्यार समाधान हो पार ये सत्य को जदि मनीष न बोझे सुधी जानी महापुरुष कहते मिछ संसार पचे हाँ ताद रही कहीं मना कला परिवार स्त्री पिला छुआ मेले रही किंतु ताकू जदि सबकि भावी चीर शाश्वत सत्य को मनीष भूली जाए तेल महापुरुष से कहते कह बाबू रे बेल था बंध बांध जदि न बांधिलु बंध भांगी गले पानी पशिजी हेबू बड़ दह गंध ए सुधी जाने आउ शेषु किसी नाके पानी पशिव तेणु समय पूर्व सचेतन हो जा मनीषर धर्म व कर्तव्य बुझिले तो महापुरुष से कहते घर बोली अर्जिचु जिते पदार्थ घट छुटिले तोते बोलिए भूत ये जहा घर तू अर्जन कर चीर संसार तू रोच पांच हजार दस हजार वर्ष अमर ही जाऊे से संसार भी तो रही के गले तो संगते केते धन रे कही मन हरे मोला कला श्री मुख बारे देखिबा चलो रे कही मन हरे बाबू रे गले तो संगरे जतेक जन तो सांगरु आसिक जतेक जन आगुरु चली गले से माने चली जाइछने खाई पीकी पिला छुआ जन्म कर पशु भली किंतु जो माने आतक ना कर दुनिया रे आज अमर होती आज अमर हो भि खाई पीकी जो मैंने चली जाइछने दुनिया आज तक मन रखे ए मिछ संसार को चीर बोली मिछ संसार को सबकि भावी ये बड़े अनेक लोक खाई मरी तू मरीजु किंतु बेल था बंध बांध बंध बांधे संसार सगर जो उद्धार पाइबु कल्कि मेलेछ विनाशिलु भक्त 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 शरणाचरणाश्रित उद्धार पाइबु भक्त को खोज भगवान को खोज प्रभु को खोज
आध्यात्म अनुकरण कर, भक्तर संधान कर, भक्त पाद संधान करी भक्तर पाद तले शरण बसिले मुक्ति पाइबु। तेणु हे सुधियाने आज तो समय हो जाइए, आसंता काली परवर्ती अध्याय यही विषय वस्तु आलोचना करवा आसतु। आजपाई वाणी विराम दवा प्रभुंर नाम नहीं हरिहरि घोष पाप तपनाश शरण सरोज पादे शरण सरोज पादे यथो बड़ी भाव आओ न मिरीब न मिलंती हरि पे दे न मिलंती हरि पे दे हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल केशव माधव गोविंद बोल के राधे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। हे सुधी यानी आज पाई विदाय दियंतु। हरि ओम शांति ही शांति ही शांति ही सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।